Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Online Chemistry. On this topic you will get video related to science and math. So we are proceeding with last topic. आज आपको प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में लास्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता. तो लेंस की क्षमता बताएंगे. लेंस की क्षमता क्या होता है? फोकल दूरी के व्युत्क्रमान प्रति होता है. फोकल दूरी का रिवर्स होता है. लेंस की क्षमता P बराबर क्या 1/F किसमें होगी? मीटर में होगी. तो फोकल दूरी को F से प्रदर्शित करती है, लेंस की क्षमता को P से. P बराबर क्या होगा? 1/F मीटर में. ये लेंस की क्षमता का सूत्र होता है. तो आपको लेंस की क्षमता का मात्रक बताएंगे. लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है. इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं. तो लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर से क्वेश्चन आता है एग्जाम में. क्षमता मात्रक डायोप्टर होता है. अब यहाँ पे वो एक डायोप्टर की परिभाषा करनी है. फॉर्मूला जानते हैं, पी बराबर क्या होता है? 1/F होता है. किसमें होता है? मीटर में होता है. अगर किसी एक मीटर फोकल दूरी है, अगर किसी लेंस की फोकल दूरी एक मीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? एक डायोप्टर होगी. एक डायोप्टर की परिभाषा, अगर इसको फोकल दूरी 1 मीटर मान लें, तो अगर किसी लेंस की फोकल दूरी 1 मीटर, तो क्षमता क्या होगी? एक डायोप्टर होगी. लेंस की क्षमता आप किससे मेजर करते हैं? डायोप्टर में. उत्तल लेंस की फोकल दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है. अवतल लेंस की क्या होगी? धनात्मक होगी. अगर लेंस उत्तल होगा तो लेंस उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? धनात्मक में आएगी. अगर अवतल लेंस होगा तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? धनात्मक आएगी. अपन नेक्स्ट टॉपिक है लेंस की संयोजन क्षमता. दो लेंस आपस में रखे हैं कंबाइंड करके, उनकी क्षमता P1 और P2 है. तो क्या होगा? एक पतले लेंस है आपस में कंबाइंड किए गए, तो लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर क्या होता है? P1 + P2. P1 ने पहले लेंस की क्षमता हो गई, P2 के दूसरे लेंस से. मान लीजिए एक लेंस है जिसकी क्षमता क्या है? 3 डायोप्टर है. दूसरे क्या है? -7 डायोप्टर है. तो टोटल क्षमता संयोजन क्षमता का पी बराबर P1 + P2. P1 के प्लेस पे हमने 3 रख दिया और P2 जगह -7 रख दिया. सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -4 डायोप्टर आएगा. इस लेंस की अगर दो लेंस को आपस में कंबाइंड करेंगे तो क्या क्या फॉर्मूला बनेगा? P बराबर P1 + P2. P1 क्या है? पहले लेंस की क्षमता. P2 क्या है? दूसरे लेंस की. ये हो सकता है उत्तल भी हो सकता है या अवतल भी हो सकता है. तो नेक्स्ट टॉपिक उत्तल लेंस का उपयोग. उत्तल लेंस का क्या उपयोग है? प्रकाशीय केंद्र जैसे फोटो कैमरे में होते हैं और उसमें सूर्यदर्शन में कर सकते हैं. और दूसरा क्या, इसका दूर दृष्टि के निवारण, दूर दृष्टि को रोकने के लिए हम फोटो इसका उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं. अब आपको बताएंगे अवतल लेंस का उपयोग क्या होता है. अवतल लेंस का मेनली उपयोग गैलरी दूरदर्शी में होता है. दूसरा उपयोग निकट दृष्टि के निवारण में होता है. आपके अवतल लेंस में देखिए दो उपयोग है, गैलरी दूरदर्शी में और निकट दृष्टि के निवारण में. तो आज के टॉपिक में हमने आपको बताया लेंस की क्षमता, बताया लेंस की क्षमता में मात्रक, बताया मात्रक की परिभाषा बताई, उसके बाद आपको बताया लेंस उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या उपयोग है, इस सब टॉपिक दिया. नेक्स्ट टर्म पे कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे इसके बाद सांख्यिक प्रश्न. थैंक यू. सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन.